हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। आई एम बैक विद द एनपीसी नीवा फिजिक्स क्लासेस। सो बच्चा, आज की क्लास में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, एंड यस, अगर आपको थियरी और न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, देन प्लीज़ कमेंट। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट फॉर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ यूर्स। यस, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो R by R dash is। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पीस ऑफ वायर, सपोज आपके पास एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस R है। ओके, अब यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, बट अगर आप सपोज करें कि लेंथ L हो इस वायर की और इस वायर को आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इंडिविजुअल पार्ट्स की लेंथ के बारे में इजीली आप पहुंच सकते हैं, बोल सकते हैं कि L बाई 5 इंडिविजुअल पार्ट्स की लेंथ होगी। ओके, अब देखिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है रेजिस्टेंस में, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L होगा। अगर आप L लेंथ को हाफ करेंगे देन रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। अगर आप लेंथ को 1/5 करेंगे देन रेजिस्टेंस ऑल्सो विल बी 1/5 पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपने इस वायर को कट किया है 5 इक्वल पार्ट्स में और उस वायर की जो इंडिविजुअल लेंथ है दैट इज एल बाई 5। सो एल बाई 5 के लिए, लेंथ एल बाई 5 के लिए रेजिस्टेंस आर बाई 5 होगा। यस, हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया कि जो रेजिस्टेंस है वो आर बाई 5 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो 5 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, इन पार्ट्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और पैरेलल में इन द सेंस आपको इस तरह से अरेंज करना है। तो पैरेलल जब भी आप कनेक्ट करें रेजिस्टेंसेस को, तो क्या होगा, पैरेलल की जो कंडीशन है वो होती है 1/R। यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन है उस आफ्टर द पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R डैश। सो 1/R डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1/R। अब जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस होगा R बाय 5। ओके, सेकेंड पार्ट का रेजिस्टेंस इक्वल R बाय 5। ऐसे आपके पास कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स। सो R बाई 5 प्लस R बाई 5 एंड देन R बाई 5, 5 टाइम्स। ओके, ये 5 को आप न्यूमरेटर में कर लें। सो 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R प्लस 5 बाई R एंड देन 5 बाई R। ओके, सो 5 टाइम्स R है, तो आप इस इक्वेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 बाई आर। 5 5 ज़ा 25, सो 25 बाई आर विच इज इक्वल्स टू 1/R डैश। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो आर बाई आर डैश इज इक्वल्स टू 25। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जो रेजिस्टेंसेस हैं दोनों का रेशो ही पूछा है, R बाई R डैश का जो रेशो है वही पूछा है, तो रेशो विल बी 25। सो योर आंसर विल बी D, 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका जो वैल्यू है या इक्वेशन है वो इन ऑप्शंस में से कौन नहीं है। के 3 फॉर्मूलेस लर्न किए हैं, विच इज एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये क्या है, एनर्जी का है। अब एनर्जी से हमने पावर का फॉर्मूला लर्न किया है, सो पी इज इक्वल्स टू एच बाई टी। एच बाई टी से H की वैल्यू है I स्क्वायर R T एंड देन
by t. T and t is going to be cancelled. So p is equals to I square r. ओके ये फर्स्ट फॉर्मूला है. सेकेंड फॉर्मूला अगर आप आई के प्लेस पे वी बाई आर रखेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर. एंड देन आर को आप रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि जो ए है आई स्क्वायर आर, सी है वी एंड आई, एंड डी वी स्क्वायर बाई आर. ये तीनों ऑप्शंस तो फुलफिल हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ये जो बी है ये नहीं हो रहा है. ओके सो बी विल बी योर आंसर आई आर स्क्वायर विच इज नॉट द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी. तो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो समझिए कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है, सपोज 60 वॉट लिखा है एंड 220 वॉट. ये जब वॉट और वोल्टेज मीन्स पावर और वोल्टेज का अगर कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ में है, इन द सेंस उस अप्लायंस की एबिलिटी या रेटिंग शो कर रहा है. ओके अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो वर्ड है रेटिंग, रेटेड मीन्स रेटिंग, रेटिंग अप्लायंसेस की रेटिंग का मतलब ये होता है कि अप्लायंस की एबिलिटी. इसका मतलब ये है कि 220 वोट पर आपका जो अप्लायंस है वो 60 वोट पावर कंज्यूम करेगा. ओके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हो सकती है. एंड अगर आपने 220 से अबाउ कर दिया तो फिर वो वर्क करना बंद कर देगा. तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है इसमें. अब देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक बल्ब जो अप्लायंस है आपके पास उसका जो रेट है मीन्स वोल्टेज और पावर की जो वैल्यू है दैट इज़ वी इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड पी इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट. अब देखिए यहाँ पे टू स्टेप्स हैं, तो हम फर्स्ट के लिए V1 एंड P1 कंसिडर करेंगे एंड सेकेंड में व्हेन इट इज ऑपरेटेड, जब वोल्टेज अगर आपने V2 की वैल्यू को 110 कर दिया तो आपको पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब सेकेंड स्टेप में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब वही यूज हो रहा है, बस वोल्टेज डिफरेंट है. तो आपका जो मटेरियल है वो तो सेम है, इट मीन्स रेजिस्टेंस भी सेम होगा. सो आर की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो तो पी और वी में जो रिलेशन होता है वो ये है पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है इलेक्ट्रिक पावर में. तो इलेक्ट्रिक पावर में अगर यहाँ पे आर कांस्टेंट है इट मीन्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. ओके अब अगर आप रेशियो की बात करें सो P1 P2 इस तरह से लिख सकते हैं हम V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर. ओके अगर आपके पास प्रोपोर्शनलिटी की जो भी वैल्यूज हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट मीन्स अगर आपने पावर की वैल्यू को इंक्रीज किया है तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा और पावर को डिक्रीज किया है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा. ओके और ये प्रोपोर्शनलिटी है मीन्स आप उसके रेशियोज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है P2, तो यहाँ से अगर आप P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो P2 V1 स्क्वायर एंड P1 V2 स्क्वायर हो गया. सब्जेक्ट बनाइए P2, सो P2 इज इक्वल्स टू P1 V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर. अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आपका जो आंसर है वो आ जाएगा P2 इज इक्वल्स टू P1 इज 100 एंड V2 इज 110. 110 स्क्वायर है सो 110 मल्टीप्लाई 110 एंड हियर V1 इज 220 वोल्ट एंड देन 220 वोल्ट. देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 11 वन ज़ा 11, 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 2 ज़ा कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 25. सो योर आंसर विल बी 25 वोट. ओके यूनिट इज वोट. सो
The option D will be right, 25 वॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. टू कंडक्टिंग वायर्स गिवन है आपको और उनके मटेरियल सेम है, लेंथ इक्वल है एंड डायमीटर इक्वल है. तो जहाँ पर भी आपको ये थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स जो रेजिस्टेंस में यूज होती है ये इक्वल है, मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. ओके, अगर आप ए और बी टू वायर्स कंसिडर करते हैं तो इफ़ वी कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए आर, देन वायर बी का भी रेजिस्टेंस आर होगा. ये चीज़ क्लियर है, रेजिस्टेंस आर द सेम फॉर टू कंडक्टिंग वायर्स. नाउ इन दोनों वायर्स को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में कनेक्ट किया एंड देन पैरेलल कनेक्ट किया. तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब आपको हीट एनर्जी फाइंड करना है, और जब पैरेलल में करेंगे तब आपको हीट एनर्जी फाइंड करना है, और दोनों का जो रेशियो है उसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, और ऑप्शंस में से जो भी वैल्यू है उसको आपको बताना है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने ए और बी टू वायर्स लिए और दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, सो आर एंड आर. अब अगर आपके पास सीरीज की बात करें तो सीरीज में डायरेक्टली एड होता है, तो सीरीज के लिए अगर आप आर एस ले लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज इज आर एस, इज डायरेक्टली एडिशन, सो आर प्लस आर. ओके, दैट इज टू आर. टू आर विल बी योर आंसर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ पैरेलल, सो पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू, क्या बताया था हमने कि अगर टू रेजिस्टेंस हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, सो आर मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन आर प्लस आर. ओके, इसे सॉल्व करेंगे, सो आर मल्टीप्लाई आर एंड दैट इज टू आर, आर एंड आर इज गोइंग टू बी कैंसिल, सो वी हैव आर बाई टू, दैट इज आर पी. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज आर बाई टू. अब देखिए, अगर आप सीरीज के लिए हीट एनर्जी फाइंड करें तो फॉर सीरीज हीट एनर्जी एच एस कंसिडर करते हैं हम लोग, तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गई कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में वी सेम है, तो वी आर एंड एच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी. ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है. यहाँ पे वी एंड टी अगर कांस्टेंट है तो ये जो एच एस यहाँ पे आर एस, ओके, सीरीज के लिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एस. ओके, ये या फिर सिर्फ आप ऐसे मान लें कि ये सेम है वैल्यू, और एच पी होगा वी स्क्वेयर अपॉन आर पी मल्टीप्लाई बाई टी. अब इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू का अगर आप रेशो लें, क्योंकि आपको रेशो ही फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एच एस एंड एच पी हो जाएगा, सो एच एस अपॉन एच पी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, फॉर एच एस इज वी स्क्वेयर बाई आर एस मल्टीप्लाई बाई टी, एंड फॉर एच पी वी स्क्वेयर बाई आर पी मल्टीप्लाई बाई टी. ओके, टी एंड टी विल बी कट, वी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इज गोइंग टू बी कैंसिल, सो वी हैव एच एस इक्वल्स टू आर पी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड आर एस. ओके, बस आप पुट कर दीजिए, आर पी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, आर बाई टू एंड आर एस टू आर. ओके, देन कैलकुलेट आर बाई टू मल्टीप्लीकेशन टू आर, आर एंड आर विल बी कट, देन वी हैव वन बाई फोर. ओके, सो द रेशियो ऑफ सीरीज के लिए हीट एनर्जी एंड पैरेलल के लिए हीट एनर्जी का जो रेशियो है दैट इज वन टू फोर, सो योर आंसर विल बी सी, वन रेशियो फोर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में
हम कैसे कनेक्ट करें कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट के अक्रॉस टू पॉइंट्स के बीच में मिले। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। ओके, और एक और चीज़ इस क्वेश्चन से सीख लेते हैं कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ओके, सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ विल बी पैरेलल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी मीन्स रो इज 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। देन आपको लेंथ फाइंड करना है फॉर रेजिस्टेंस 10 ओम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है आपके पास कि अगर आपने डायमीटर को डबल कर दिया तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यूज आपको गिवन है पहले वो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो डायमीटर जो है डी 0.5 मिलीमीटर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज आपका जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हियर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप वायर ले रहे हैं तो वायर का एरिया जो होता है वो सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे यूज होगा। सो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, हियर आर इज द रेडियस ऑफ दैट वायर। ओके, सो यहाँ पे रेडियस यूज होगा, तो डायमीटर को आपको चेंज करना है रेडियस में। तो डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो आपको अगर आप रेडियस की वैल्यू को फाइंड करना चाहें सो आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2 करें तो रेडियस हो जाएगा। ओके, 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो आर को आप इस तरह से 0.25 भी लिख सकते हैं, −3 मीटर। ओके, बस आपको आर की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली, उसके बाद में फिर रो की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁸ एंड आर इज 10 ओम। ओके, इस फॉर्मूले में आपको रो पाई आर एंड कैपिटल आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। सो आप सब्सटीट्यूट करें, फॉर रो इज 1.6 × 10⁻¹⁸ एंड एल आपको फाइंड आउट करना है, फॉर पाई 3.14 एंड आर इज द 0.25 × 10⁻³ एंड स्क्वायर है, सो सेकेंड टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एल, सो एल को सब्जेक्ट बनाइए। एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आर की वैल्यू को 10 कंसिडर करना है क्योंकि आपको गिवन है 10। 10 मल्टीप्लाई 3.14 × 0.25 × 0.25, यहाँ 10⁻⁶ हुआ, −3 −3 −6 एंड देन डिनोमिनेटर में 1.6 × 10⁻¹⁸। ओके, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी विच इज 122.72 मीटर। ओके, लेंथ है, सो द यूनिट विल बी मीटर। तो ये लेंथ आई आपकी। अब इसी लेंथ को कंसिडर करके आपको बताना है कि अगर आप डायमीटर को डबल कर लें, मीन्स ये जो डी है डायमीटर को डबल कर लें, देन आर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने डायमीटर को डबल कर लिया तो 1 यहाँ पे इंटू 10⁻³ मीटर होगा, बट आपको डायमीटर के बाद रेडियस पर ही आना है, बिकॉज आपका जो फॉर्मूला है वहाँ पर तो रेडियस ही यूज होगा। तो रेडियस हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर, बिकॉज हमने बाई 2 कर लिया। ओके, अब बस यही आपको आर की वैल्यू पुट करना है इसी फॉर्मूले में। आर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे अब सेकेंड के लिए अगर डायमीटर को डबल कर दिया तो आप आर जो है वो आर डैश सपोज कर लीजिए। रो की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁸ एंड फॉर एल, एल विल बी 1.22 एंड पाई 3.14
and r square, that is 0.5 into 0.5 multiply by 10 raised to the power माइनस सिक्स. ओके, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 ओम. ओके, 2.5 इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5. हमने डायरेक्टली लिख दिया है ताकि थोड़ा टाइम बचे. ओके, तो ये आपका जो आंसर है 2.5 ओम इज योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर सेवन्थ. सेवन्थ में आपके पास आई और वी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज गिवन हैं और आपको इन वैल्यूज को यूज करके ग्राफ प्लॉट करना है जो कि वी और आई के बीच होगा, और आपको साथ ही साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो हमने पहले ग्राफ प्लॉट कर लिया ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए. अब ग्राफ आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आपने वोल्टेज की वैल्यू को कंसिडर किया है एंड वाई एक्सिस पे आपने करंट की वैल्यू को कंसिडर किया है बिकॉज आई इज डिपेंड ऑन वी. अब देखिए कि वोल्टेज और करंट की हमने ये जो डिविजन्स बनाए हैं वो इस तरह से बनाए हैं कि वोल्टेज और करंट की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाए. अब जीरो टू टू हैं. ओके, ये 1.6 वोल्टेज की वैल्यू 1.6 कब होगी, तो 2 और 4 के बीच 3 होगा. ओके, सॉरी 0 और 2 के बीच में एग्जैक्टली इन बिटवीन 0 एंड 2 दैट इज 1, आपको चाहिए 1.6. सो 1 एंड 2 के बीच में आपको हाफ में मिलेगा 1.5 और उसके जस्ट थोड़ा सा पास में 1.6. सो अप्रोक्स इस पॉइंट पर. और आपके पास आई की जो वैल्यू है वो 0.5 मीन्स 0 और 1 के बीच का जो पॉइंट होगा वो हाफ होगा 0.5 के इक्वल होगा. तो ये वाला जो पॉइंट है हमने फर्स्ट वाला पॉइंट ये आपका आया है. सेकंड में वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 3.4 एंड करंट की वैल्यू 1 है. तो 3.4 इस प्लेस पे कहाँ हो सकती है, तो 2 और 4 के बीच में एग्जैक्टली बीच में तो 3 होगा और 3 के जस्ट थोड़ा सा पास में 3.4 समथिंग वैल्यू यहाँ पे होगी. तो ये इस तरह से आपको इस पॉइंट पर मिलेगी और यहाँ पे करंट की वैल्यू 1. ओके, तो ये पॉइंट है आपको सेकंड पॉइंट यहाँ से मिल गया. थर्ड वैल्यू 6.7, सो यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 7 होगा और 7 के थोड़ा सा पहले 6.7 होगा. तो ये अप्रोक्स इस पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी और करंट की वैल्यू 2 है. सो 2 इज हियर. ओके, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही आपको पॉइंट को इंडिकेट करना है. एंड देन 10.2, सो अप्रोक्सीमेटली 10.2 इज हियर एंड 3 विल बी देयर. नाउ 13.2, सो 13.2 12 एंड 14 इन बिटवीन 14 एंड 12 इज 13 एंड अप्रोक्स दिस पॉइंट विल बी 13.2 एंड देन करंट वैल्यू इज 4. ओके, सो ये पॉइंट आपके पास सभी आ गए और ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग वी और आई में जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें वैल्यू ही इस तरह से दी जाएंगी कि जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट होगा. ओके, अब आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस की सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी बाई आई. ओके, ये फॉर्मूला होगा. तो यहाँ पे वी की जो वैल्यू है वो इस प्लस से लेंगे और आई की वैल्यू यहाँ से हम कंसिडर करेंगे. तो वी और आई की वैल्यू को किस तरह से लेंगे, तो देखिए अगर आप इस ग्राफ के टू पॉइंट्स को कंसिडर करें, जैसे अगर आपने ये वाला जो पॉइंट है ये कंसिडर किया है, तो ये लाइन जो शो कर रही है दैट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड ये जो वाई एक्सिस वाली जो लाइन है वो शो कर रही है वैल्यू ऑफ करंट. ओके, सो आपके पास वी की जो वैल्यू है ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है आप इसे वी फाइनल मानिए, मीन्स वोल्टेज की जो फाइनल वैल्यू है ये, और इनिशियल वी आई मान लीजिए. ओके, और सेम ऐसे ही अब आई के लिए ये आई फाइनल, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया आपने तो गए ऊपर तक, तो ये फाइनल मान लीजिए आई फाइनल, और ये
आई इनिशियल। ओके, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या थी? तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास 10.2। ओके, एंड वी आई इस पॉइंट पे क्या थी? तो 3.4 हुआ। आई एफ मीन्स यहाँ 3 एंड देन 1, सो 3-1। बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज 6.8। ओके, एंड देन 3-1 दैट इज 2, तो 3.4 समथिंग वैल्यू। सो 3.4 ओम समथिंग वैल्यू आपके पास रेजिस्टेंस की आएगी। ओके, और ये वैल्यू आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, अगर आप ये दोनों पॉइंट कंसीडर करते हैं तो भी अप्रोक्स 3.4 होगा, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो भी 3.4 होगा। सो अगर ग्राफ वी और आई में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है तो आर की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्रोक्स इक्वल ही होगी। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अननोन रेजिस्टेंस आई इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर देन आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपके पास एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप आर कंसिडर कर लीजिए, एंड देन एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, तो बैटरी की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट। आई एम्पियर की करंट इस बैटरी में से फ्लो हो रही है और विच इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन वैल्यूज है, जो भी गिवन डेटाज हैं वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। सो आई इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10^-3 एम्पियर। ओके, एंड वी इज 12 वोल्ट। डायरेक्टली आपको ओम्स लॉ अप्लाई कर लेना है यहाँ पे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी एंड आई। सो वी इज 12 एंड आई विल बी 2.5 इंटू 10^-3। ओके, 12 बाई 2.5 इंटू 10^ यहाँ न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, अगर पॉइंट से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस आप कैंसिल आउट करके जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आएंगी 4.8 ओम। ओके, 4.8 ओम इज़ योर आंसर। ओके बच्चा, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस, बिकॉज उस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज से वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चंस के वेटेज को भी डिस्कस करेंगे, आपको आंसर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।